इस तरह से ये रेड क्वार्टर का दिखाया है, सलमान खान का रासू का लगे, क्योंकि देश की जो संस्कृति को खराब कर रहा है, ये राष्ट्र विरोध का काम। हमारी भावनाओं को समझे, हम नहीं चाहते कोई भी तरह की हिंसा। तेरे को बहुत परेशानी होती ना, तो मेरे को तो बैंडी कर देना चाहिए। कलश टीवी में जब बिग बॉस शुरू होता है, तब सारे टीवी सीरियलों का टीआरपी डाउन होने लगता है और बिग बॉस का टीआरपी अप होने लगता है। और इसके साथ साथ बिग बॉस हर बार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी से घिरा रहता ही है, और इस बार फिर से कंट्रोवर्सी से जुड़ गए हैं बिग बॉस, जो कि इस शो को लाए हैं बैन होने की कगार पे। क्या हुआ था बिग बॉस, कब हो रहा है बैन, किस लिए ये हो सकता है, सब कुछ बताऊंगा मैं। जुड़े रहिए मेरे साथ रहस्य लाइव में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। इस बार बिग बॉस में यानी बिग बॉस 13 में सब कुछ ही नया नया दिख रहा है। शो का फॉर्मेट से लेके 4 हफ्ते के फिनाले, ये पहले कभी नहीं देखा गया था बिग बॉस में। लेकिन बिग बॉस के लेकर किसको परेशानी हो सकता है, असल में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में कर्णी सिन्हा ने एक कंप्लेन लेटर लिखा ताकि बिग बॉस बैन हो जाए। उन लोगों का रीजन क्या था, कर्णी सिन्हा का कहना है कि बिग बॉस में जो सब दृश्य दिखाया जाता है उसमें ज्यादातर अश्लील दृश्य दिखाया जाता है, और साथ में वहां पर बहुत वल्गरिटी होता है। इसके साथ साथ बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुज्जर ने भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग को लेटर लिखकर कहा है कि बिग बॉस में इस बार नया एक थीम इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर में क्या होता है, घर में स्थित कोई भी महिला को दूसरे पुरुष के साथ बेड शेयर करना होता है, या फिर कोई भी समाज के एक बंदे के साथ दूसरे बंदे का बेड शेयर करना होता है। साथ साथ नंद किशोर गुज्जर ने यह भी कहा है कि ये शो बहुत वल्गर है, ये आम जनता या फिर टीवी में दिखाए जाने के लिए एकदम ठीक नहीं है। भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी थी कि हम लोग पत्नी के अलावा सबको बहन, चाची, ताई और इस तरह के हमारे रिश्ते होते थे, कोई तरह कोई घटना नहीं घटती थी। इसीलिए इस शो को ध्यान पूर्वक देखा जाए आगे चलाना है या नहीं, और इस शो को बैन किया जाए, क्योंकि ये शो देश के संस्कृति लोकाचार के खिलाफ है और अत्यधिक आपत्तिजनक अंतरंग दृश्य इसका एक हिस्सा है। हालांकि जब ये कंप्लेंट बिग बॉस के कान में आया, तो बिग बॉस ने बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर का जो सीन है वो बंद कर दिया है, यानी अभी सब लोग कैसे रह सकते हैं वो खुद से चुन सकते हैं। लेकिन कर्णी सिन्हा की इस लेटर की वजह से सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी और टाइट कर दिया गया है, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री भी इसमें अभी थोड़ा सीरियस हो गए हैं, क्योंकि हर बार बिग बॉस में ऐसे आपत्तिजनक स्थिति आता ही रहता है और कंट्रोवर्सी आता ही रहता है, और वो लोग बता रहे हैं कि इस बार इसको सीरियसली देखा जाएगा, और जो बैन की डिमांड किया गया है इस पर भी गौर किया जाएगा, बहुत जल्द इसका फैसला आने वाला है और शायद ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, बिग बॉस बैन हो या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और ये भी लिखिए कि बिग बॉस के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कॉमेंट का।